रुबीना दिलायक टीवी वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक है। छोटी बहू बनने से लेकर किन्नर का रोल निभाने तक हर किरदार में रुबीना ने अपनी उम्दा अदाकारी से लोगों का दिल जीता है। रुबीना ने बिग बॉस 14 की ट्रॉफी अपने नाम की। रुबीना अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर चर्चा में रही। आज रुबीना शादीशुदा हैं और टीवी एक्टर अभिनव शुक्ला संग खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रुबीना ने अपने पार्टनर से प्यार में धोखा खाया है। रुबीना को उनके एक्स बॉयफ्रेंड अविनाश सचदेव ने चीट किया था। दोनों का रिलेशन काफी चर्चा में रहा था। रुबीना ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत सीरियल छोटी बहू से की थी। शो में रुबीना जहां फीमेल लीड थी, वहीं अविनाश मेल लीड थे। रुबीना को अविनाश से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। अविनाश और रुबीना के बीच अच्छी शुरुआत नहीं हुई थी। वे दोनों एक दूसरे को एरोगेंट समझते थे। शो छोटी बहू की शूटिंग शुरू होने के 3 महीने तक उनमें बातचीत नहीं होती थी। दोनों के रिश्ते आउटडोर शूट के बाद बदलने लगे थे। अविनाश और रुबीना के बीच अच्छी बातचीत होने लगी। दोनों फैमिली और जिंदगी के बारे में बात करते थे। वो धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। इसके बाद उनका रिलेशन शुरू हुआ। खबरों के मुताबिक अविनाश उस वक्त रुबीना से शादी करना चाहते थे। अविनाश ने रुबीना के बारे में अपने दादा को भी बताया था। फैमिली के हेड होने के नाते इस रिश्ते के लिए मान भी गए थे वो। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। उनके सीक्रेटली शादी करने की भी खबरें आई थी। हालांकि अविनाश और रुबीना ने इन खबरों को बेतुका बताया था। दोनों ने सीक्रेट वेडिंग की बात को गलत ठहराया था। बेशुमार प्यार होने के बावजूद उनके रिश्ते में खटास आने लगी थी। अविनाश का दूसरी एक्ट्रेस संग नाम जुड़ने लगा था, जिसकी वजह से दोनों के रिश्ते में तनाव पैदा होने लगा। बाद में दोनों ने मिलकर मामले को सुलझाया भी, लेकिन दोनों का रिश्ता लंबा नहीं टिक पाया और उनका ब्रेकअप हो गया था। रुबीना अपने पति अभिनव शुक्ला संग रिश्ते में तनाव के बाद बिग बॉस 14 में आई थी। शो ने उनके रिश्ते को एक और मौका दिया। उनका रिश्ता तलाक तक जा पहुंचा था, लेकिन बिग बॉस में आना उनके रिलेशनशिप के लिए वरदान साबित हुआ। रियलिटी शो ने फिर से उनकी जोड़ी बना दी है। आपका क्या कहना है रुबीना दिलायक की कहानी के बारे में, बताइए हमें अपने कमेंट्स के जरिए।